स्वास्थ्य ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। फिट रहना सभी के लिए बेहद जरूरी है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद करते हुए लोगों से फिट रहने के लिए आधा घंटा हर रोज देने की बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़े से नियमों का पालन करके हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। अपने संवाद में प्रधानमंत्री ने विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रोहिता दिवाकर जैसी हस्तियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तमाम हस्तियों से उनके फिट रहने का राज भी पूछा। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। थकान हर किसी को होती है, अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। एक साल पहले शुरू हुए इस अभियान से शहरों से लेकर गांव तक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। लोगों ने फिटनेस के लिए व्यायाम, खेल और योग को आत्मसात किया है। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई रोग हो रहे हैं। इन बीमारियों से आधा घंटा का व्यायाम निजात दिला सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि फिट ही हिट है। ऐसे में तमाम व्यस्तताओं के बावजूद स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। स्वस्थ लोगों से ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश का निर्माण होगा, जिसके लिए लोगों को फिट इंडिया के मंत्र को अपनाना होगा। डीडी न्यूज़, ब्यूरो लखनऊ।